ऋषभ शेट्टी स्टारर कंतारा 2022 में भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई है। अपनी दिलचस्प कहानी और बॉक्स ऑफिस की मोटी कमाई के साथ हर कोने से दर्शकों को आकर्षित कर रही है। फिल्म अब ऑस्कर्स 2023 पर नजर भी गड़ाए हुए है। जी हां, कंतारा निर्माता ने इस बात की पुष्टि की है कि फिल्म को नॉमिनेशन के लिए भेजा गया है। इसीलिए अब इंडियन सिनेमा से RRR के बाद कंतारा सबसे बड़े पुरस्कार द एकेडमी अवार्ड्स में अपनी किस्मत आजमा रही है। ऋषभ शेट्टी की कंतारा साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन गई है। ये बाहुबली, KGF, RRR और पुष्पा के बाद ए लीग क्लब में शामिल हो चुकी है। हर कोने से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। क्या सेलिब्स, क्या क्रिकेटर्स और क्या राजनेता। बता दें कि ऋषभ शेट्टी ने न केवल इस फिल्म का डायरेक्शन किया है बल्कि यहाँ पर डबल रोल भी प्ले किया है। ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर है जो दैवाकोला के इर्द गिर्द घूमती है। कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में होने वाली इस पूजा पर बनी इस फिल्म को 2022 में रिलीज होने वाली बेहतरीन इंडियन फिल्म्स में से एक माना गया और कलेक्शन के मामले में कंतारा ने 400 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है।